तो क्या हाल है यार, मैं हूं असली गेमर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैट बॉट के बारे में। तो आपने देखा होगा मेरी स्ट्रीम पर, अगर आप आते हो या फिर एक बार भी आए हो तो आपको पता होगा कि मेरी जो मेन आईडी है जिससे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, वही आईडी एज अ चैट बॉट की तरह काम करती है। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो कि स्ट्रीम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, स्ट्रीम लैब्स यूज़ करते हैं, नाइट बॉट यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप अपनी मेन आईडी को या फिर एक कस्टम आईडी को, मतलब आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हो और उसको एज अ चैट बॉट की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये सब आप कैसे कर सकते हो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लिटरली किसी भी आईडी को एज अ चैटबॉट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है असली गेमर, तो मैं अपनी असली गेमर जिस आईडी से मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसको एज अ चैटबॉट यूज़ कर सकता हूँ, या फिर एक सेकेंड अकाउंट बना के असली गेमर 2.0 या फिर असली गेमर चैटबॉट नाम से एक अकाउंट बनाऊंगा और उसको एज अ चैटबॉट यूज़ करूंगा। उसके अंदर मैं कस्टम कमांड्स भी डाल सकता हूँ, गिव अवेज भी होस्ट कर सकता हूँ और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि आप आगे इस वीडियो में देखने वाले हो। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से पहले जैसे आता डिस्क्लेमर, सब्सक्राइब करो अभी मेरा चैनल असली गेमर, यहाँ पे गेमिंग वीडियोस रेगुलर लाइव स्ट्रीम है, 100 के सब्सक्राइबर्स का मेरा एक ही ड्रीम है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ब्राउजर खोलना है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ये स्ट्रीम लैब्स का ही चैटबॉट है जो कि हम यूज करने वाले हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके डाउनलोड कर लेना। आपको सिंपली इस डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करना है और यहां से सेव पे क्लिक करना है और आपका चैटबॉट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो गया तो उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रीम लैब्स का चैटबॉट, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब सिंपली आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो कुछ इस टाइप से ये ओपन होता है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कैसे इसको यूज़ करना होता है ताकि आप इजीली कर पाओ। मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करा, मुझे बहुत ज़्यादा कम ट्यूटोरियल्स दिखे हैं। तो कुछ इस टाइप का आपका चैटबॉट खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कॉन्सोल देखोगे, यहाँ पे आपकी सारी चैट्स आ जाएंगी, वो तब आएंगी जब आप लाइव स्ट्रीम ऑन करोगे। सेकेंड हमारा कमांड्स का सेक्शन है, इस सेक्शन में आप जितनी भी आपकी कमांड्स हैं वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो मैंने काफ़ी सारी कमांड्स डाली हुई हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे हाई लिखता है तो आगे से उसको रिप्लाई आता है हाई यूजर नेम, यूजर नेम में उसका नाम आ जाता है, ये एक कमांड है डॉलर साइन, फिर आगे लिखते हैं हम यूजर नेम। अगर आप ये कमांड कहीं पे भी यूज़ करते हो तो वो जो कमांड है उसकी जगह उसका यूजर नेम, बंदे का जो यूजर नेम है वो रिप्लेस हो जाता है। आगे लिखा है वेलकम टू द स्ट्रीम, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी टाइप से अगर कोई लिखता है चैट पर इंस्टा, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी। कोई लिखता है आईपी, तो मेरे माइनक्राफ्ट का सर्वर का आईपी आ जाए। कोई लिखता है रूल्स, तो यहाँ पे चैट के रूल्स आ जाएंगे, स्पेक्स से मेरे स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे पीसी की, और यूपीआई से मेरी यूपीआई आईडी आ जाएगी। डिस्कॉर्ड लिखेगा तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का एड्रेस आ जाएगा, और ऐसे काफ़ी सारी कमांड्स हैं। ऐसे एक्सक्लेमेशन में भी आप कमांड्स डाल सकते हो, जैसे कि एक्सक्लेमेशन बायो जिससे मेरे बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एक्सक्लेमेशन पीसी लिंक्स जिससे सारे मेरे पार्ट्स के लिंक्स आ जाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन अप टाइम जिससे पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रीम कितनी देर से ऑन है, और ऐसी काफ़ी सारी कमांड्स हैं। ये कमांड्स कस्टम होती है, मतलब आप इसको खुद बना सकते हो। आपको करना क्या है, ऊपर आप देख सकते हो प्लस का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कमांड डालनी है। जैसे कि मैंने एक कमांड लिख दी हेलो, वैसे हेलो ऑलरेडी एक कमांड है मेरे चैनल पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ अमेजिंग। अगर कोई बंदा चैट पे लिखता है अमेजिंग तो आपका रिस्पांस उसको कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं रिस्पांस में लिख देता हूँ थैंक्स। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे यूजर नेम भी इंक्लूड करना है तो वही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे डालना है डॉलर साइन और USERNAME, तो यहाँ पे थैंक्स, फिर स्पेस दबा के डॉलर साइन यूजर नेम, फिर यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। ये नॉर्मल एक्सक्लेमेशन मार्क है, कमांड का हिस्सा नहीं है। तो अब अगर कोई जय नाम का बंदा लिखता है अमेजिंग, तो उसको रिप्लाई में जाएगा थैंक्स जय। तो इस टाइप से कोई भी नाम हो वो यूजर नेम की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको कूल डाउन भी सेट कर सकते हो कि मान लो अमेजिंग एक बार एक बंदे ने लिख दिया और उसको ये वाला कमांड चली गई है, ये वाला रिस्पॉन्स चला गया है, और फॉर एग्जाम्पल वो अमेजिंग स्पैम करता रहता है चैट में, तो ये जो थैंक्स यूजर नेम है हर बार चैट में जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप यहाँ पे कूल डाउन सेट कर सकते हो। अब यूज़र कूल डाउन मतलब कि एक पर्टिकुलर यूज़र अगर एक बार एक बंदे ने कमांड यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम कितनी देर बाद ये सेम कमांड यूज़ कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल वो यूज़ कर सकता है यही कमांड 10 मिनट बाद, और बाकी सारे लोग जिन्होंने अभी तक ये कमांड यूज़ नहीं करी है वो ये कमांड यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट बाद। एक बार ये कमांड यूज़ हो जाए उसके बाद 1 मिनट का टाइम आउट लग जाएगा, और 1 मिनट बाद फिर से कोई दूसरा बंदा ये कमांड यूज़ कर पाएगा। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। यहाँ पे एक साउंड फाइल भी आप अटैच कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप परमिशन भी दे सकते हो कि एक रेगुलर पर्सन होना चाहिए, या फिर उसके मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए कमांड यूज़ करने के लिए, या फिर मिनिमम कितने घंटे उसने आपकी स्ट्रीम देखी हो कि वो ये कमांड यूज़ कर पाए। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे वो क्राइटेरिया मिल जाएंगे। आप जितने भी आपके स्ट्रीम के मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोगों ने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपके चैनल की मेंबरशिप
स्पॉन्सरशिप ली है तो वो स्पॉन्सर्स के अंदर आए थे, तो ऐसा भी कर सकते हो आपकी सिर्फ स्पॉन्सर्स ही कमांड यूज़ कर पाए। इस टाइप से आप जितनी मर्जी उतनी कमांड्स बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मेरी अमेजिंग की कमांड जो है वो बन गई है। लेकिन अब मुझे इसको चाहिए नहीं, तो मैं ऐसे सिंपली इस पे रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, अभी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने कमांड सेलेक्ट करी, यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक करा और उसके बाद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो अगर आपको एडिट करनी हो बाद में कमांड, तो वो भी आप कर सकते हो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे टाइमर्स में चलें, तो टाइमर्स में आप कुछ ऐसी कमांड्स डालते हो जो कि आप चाहते हो कि हर 10 या हर 15 मिनट बाद जो है एग्जीक्यूट होती रहे। तो यहाँ पे अगर आपको टॉप लेफ्ट में सेटिंग्स पे क्लिक करना है, तो और यहाँ पे आप देखोगे कितनी देर का इंटरवल होता है हर कमांड के बीच में, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 15 मिनट करा हुआ है, तो ये जो चार कमांड्स है हर 15 मिनट बाद चैट में आती हैं। तो हर 15 मिनट बाद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अपने आप चैट में आ जाएगी। ये चार कमांड 15-15 मिनट बाद दिखती रहेंगी चैट में। तो अगर आपके किसी सब्सक्राइबर ने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो अपने आप जैसे ही कमांड देगी वो फॉलो कर लेगा, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा तो वो कर लेगा। फिर कोड्स आ जाता है, कोड्स मैंने ऑफ ही करा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा ट्विच रिलेटेड है, यूट्यूब पर बहुत कम इसका सीन है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसमें कुछ कोड्स डाल सकते हो, उसके बाद कोई भी अगर एक्सक्लेमेशन कोड्स की कमांड डालता है तो आपको ये इनमें से जो भी एक कोड होगा वो रैंडम आपको कोड दिख जाएगा। और वैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड्स भी डाल सकते हो। फिर आता है गिव अवे का सेक्शन। अब यहाँ पे जैसे कि मैं गिव अवे करता हूँ, प्राइजेस में यहाँ पे मैंने डाल दिया 10,000 सब्सक्राइबर्स गिव अवे। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है अभी, क्योंकि 10,000 हुए नहीं है। और कमांड मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सक्लेमेशन एंटर, और यहाँ पे टिकट की कॉस्ट यहाँ पे मैंने रख दी है। अब टिकट क्या होता है और वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा। आगे फुल ट्यूटोरियल है यहाँ पे कि आप कैसे एक चैटबॉट को सेटअप कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रीम एलिमेंट्स या फिर स्ट्रीम लैब्स या फिर नाइटबॉट का भी चैटबॉट सेटअप करते हो, तो सेम चीज़ें हैं सब में। तो यहाँ पे ज्वाइन की परमिशन किस किस है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइस कौन सा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे आप सीधा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कमांड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कौन सी कमांड लोग डालें कि वो गिव अवे में एंटर हो। फिर यहाँ पे टिकट की कॉस्ट सेट कर सकते हो कि टिकट एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग गिव अवे में एंटर कर सकते हैं, मतलब जिस बंदे के पास ज़्यादा टिकट्स हैं उसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो एक टिकट कितने पॉइंट्स की हो और पॉइंट्स कैसे कमाते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। फिर यहाँ पे आप गिव अवे को ओपन कर सकते हो, तो लोग ये वाली कमांड डाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो लोग जो है ये वाली कमांड नहीं डाल पाएंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे गिव अवे कर सकते हो। पॉइंट्स कैसे कमाने वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, लेकिन ये भी जो है ट्विच से रिलेटेड ही है ज़्यादा, यूट्यूब पे बहुत कम यूज़ होता है। सॉन्ग रिक्वेस्ट बेसिकली है कि लोग चैट पे सॉन्ग्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं चलाने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे कॉपीराइट का सिस्टम है इसलिए यूट्यूब पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ट्विच पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्यू का सिस्टम बहुत अमेजिंग है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो जिसमें सिर्फ 5 ही लोग आपके साथ खेल सकते हैं, तो आप ये क्यू को ऑन कर सकते हो। उसके बाद जो भी लोग एक्सक्लेमेशन ज्वाइन की कमांड डालेंगे ना चैट पे, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और जो टॉप 5 बंदे होंगे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो अपने साथ खेलने के लिए, अपने उनको अपनी टीम में ऐड कर सकते हो या जो भी है। और इसमें आप कॉस्ट भी डाल सकते हो कि कितने पॉइंट्स एक बंदे को चाहिए ताकि वो ज्वाइन की कमांड डाल पाए, उसके 30 पॉइंट कट जाएंगे और फिर वो ज्वाइन की कमांड डाल पाएगा और वो फिर आपके साथ खेल पाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ और क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे पिक रैंडम से जितने भी लोगों ने ज्वाइन की कमांड डाली होगी उनमें से एक रैंडम बंदा भी चूज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे काउंटर में जाऊँ तो यहाँ पे आप काउंटर को सेट कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर कमांड डाल सकते हो। अगर वो बंदा कमांड डाले तो ये कुछ इस टाइप का कुछ मैसेज जाएगा उसके पास, जहाँ पे हैशटैग जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कि कितनी बार एक बंदे ने एक पर्टिकुलर कमांड डाली है। तो जीरो रिस्पेक्ट्स वर पेड लिखा रहा है, अगर कोई डालेगा एफ तो यहाँ पे चैट पे लिखाएगा वन रिस्पेक्ट्स वर पेड। तो इस टाइप से 2 रिस्पेक्ट्स वर पेड, 3 वर पेड, तो इस टाइप से लिखाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं कुछ और भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो करना है वो कर दो, ठीक है। फिर आ जाता है करेंसी, जो कि पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी मेरे स्ट्रीम पे व्यूअर्स हैं उन सबके नाम है और किसके पास कितने पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आप देख सकते हो किस किसके पास है। तो शाउट आउट टू एवरीवन, जितने भी लोग मेरी स्ट्रीम देखते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप आज पे जाओगे तो आपको पता चलेगा किस बंदे ने कितनी देर मेरी स्ट्रीम देखी है। अगेन भाई, जितने भी लोग टॉप पे हो थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पे रैंकिंग भी मैंने डिसाइड करी हुई है कि कौन तो यहाँ पे मैंने रैंकिंग भी डिसाइड करी हुई है कि किसकी रैंक कितनी है। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग फीचर है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट्स कैसे सेट करने हैं। आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है जो कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, या फिर आप डाल सकते हो एक्सक्लेमेशन कॉइंस या फिर इस टाइप की कमांड डाल सकते हो। और आपको अपने जो पॉइंट्स होते हैं या फिर अपनी जो करेंसी होती है उसका एक नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैंने गेमर पॉइंट्स दिया हुआ है, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स स्ट्रीम पे आते हैं ना, वो अगर 5 मिनट स्ट्रीम देखते हैं तो उनको 5 गेमर पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखा होगा स्कल क्रशर गेमिंग नाम से चैनल है, उन्होंने अपने
स्कल कॉइंस नाम से अपनी करेंसी को सेट करा हुआ है, तो वैसे ही जो भी आपको करना है वो कर दो। तो यहाँ पे कमांड डालो, यहाँ पे अपने करेंसी का नेम डालो, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के टेम्पलेट ही है ये, आप सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बंदे का नाम लिखाएगा, अगर वो ये वाली कमांड डालता है ना एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखाएगा, यहाँ उसकी रैंक लिखी आएगी। अब रैंक कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे आर्स लिखेंगे कि उसने कितनी घंटे आपकी स्ट्रीम देखी है। फिर यहाँ पे करेंसी का नेम लिखाएगा, मतलब गेमर पॉइंट्स। फिर उसके पास आगे लिखाएगा कितने पॉइंट्स हैं उसके पास। फिर एक बंदा ये जो कमांड है 20 सेकंड में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकता है, या फिर मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ आगे कि एक बंदा 20 सेकंड में कितनी बार ये कमांड यूज़ कर पाए। तो मैं इसको 60 कर देता हूँ कि बंदा एक मिनट में ये सिर्फ एक ही बार ये कमांड यूज़ कर पाए। फिर नीचे आप इंटरवल को डिफॉल्ट ही रहने देना। तो लाइफ पे आउट पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 5 मिनट के कितने पॉइंट्स देने हैं एक बंदे को। तो यहाँ पे मैंने करा हुआ है 5, तो मतलब मैं 5 मिनट के 5 पॉइंट दूंगा, एक घंटे के 60 पॉइंट्स। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर एक बंदा ऑफलाइन है तो उसको कितने पॉइंट्स देने, तो ऑफलाइन के मैंने 0 रखे हुए हैं। और अगर एक बंदा रेगुलर है तो आप उसका बोनस भी डाल सकते हो। अब रेगुलर का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपकी स्ट्रीम पे 500 मिनट आया तो उसके पास 500 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन टिक करा हुआ ऑटोमेटिकली बिकम रेगुलर एट 500 पॉइंट्स। तो एक अगर बंदा रेगुलर हो जाता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस आप देख सकते हो पॉइंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप 6 कर सकते हो, तो जो नॉर्मल बंदे होंगे उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और जो रेगुलर बंदा होगा उसको 6 पॉइंट मिलेंगे। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी 0 करा हुआ है। अब इवेंट पे आउट भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, मतलब अगर कोई बंदा सब्सक्राइब करता है तो उसको 10 पॉइंट स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, अगर कोई बंदा सुपर चैट करता है तो उसको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है मेरे चैनल को तो उसको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर कोई बंदा डोनेट करता है तो उसको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये सब मैंने करा हुआ है, आप भी ये सब सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर जो सेटिंग्स मेरी है उसको कॉपी भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा और यहाँ पे अब ऊपर एक और रैंक्स का ऑप्शन है, इस पर जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने रैंक सेट करी हुई अलग अलग, आप ऐड बटन पे क्लिक करके एक रैंक सेट कर सकते हो। सबसे पहले रैंक का नाम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंक का नाम रखा हुआ है बॉट, नूब, गेमर, चैंपियन और प्रो। तो यहाँ पे जैसे मैंने रैंक्स का नाम रखा हुआ है बॉट, नूब, गेमर, प्रो, और फिर आखिरी में आता है चैंपियन। चैंपियन देख सकते हो 10,000 पॉइंट्स का है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे यार आगे कौन कौन सी रैंक्स आने वाली है, तो देख लो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। आपको ऐड पे क्लिक करना है, रैंक का नाम देना, जैसे कि मैंने लिख दिया अल्ट्रा प्रो, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बंदे के पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000, और बंदा जो है व्यूअर होना चाहिए, और सबमिट। तो अगर किसी बंदे के पास 50,000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसको अल्ट्रा प्रो की रैंक मिल जाएगी। तो अगर वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स की कमांड डालेगा चैट में तो अल्ट्रा प्रो शो होगा उसकी रैंक के सामने। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा बंदा कितनी देर से आपकी स्ट्रीम देख रहा है, कितने टाइम से देख रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में जाता हूँ तो यूजर्स में मुझे हर एक चैनल की आईडी दिख जाती है, जितने भी लोग मेरी स्ट्रीम देख रहे हैं उनका नाम दिख जाता है, रेगुलर कौन कौन है इनमें से। तो देख सकते हो ये सारे रेगुलर्स हैं, मतलब इनके 500 से ऊपर पॉइंट्स हैं, तो ये रेगुलर्स में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो रेड्स वाला सीन है ये जो है सिर्फ ट्विच के लिए है, तो यूट्यूब के लिए नहीं है। ट्विच में अगर आप रेड करते हो किसी पे तो उसका अलग सीन होता है, उसमें आपके पास एक जो है नोटिफिकेशन आता है कि आपको आपके पास रेड हुई है। यूट्यूब में वो सब नहीं है, तो यूट्यूब में ये वाला जो है ऑप्शन नहीं चलता। फिर हम जाते हैं मिनी गेम्स में। मिनी गेम्स में यहाँ पे एक बार 3 से 4 मिनी गेम्स है, लेकिन ये भी ट्विच के लिए ही है मोस्टली। तो मैंने इनमें से 2-3 ट्राई करे लेकिन मेरे में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई नहीं चले मतलब। तो अगर आपके में चले तो ट्राई कर सकते हो, इनमें शायद 1-2 चलते हैं लेकिन मैंने ट्राई आउट नहीं करे। बॉस बैटल है लेकिन ये चलता नहीं, मैंने ऑन करा हुआ है लेकिन नहीं चलता, क्या करें। मेनली ये जो सॉफ्टवेयर है ट्विच के लिए बना था, लेकिन बाद में यूट्यूब का भी इसमें फंक्शन ऐड करा है और यूट्यूब के साथ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर यहाँ पे आपको पोल का ऑप्शन मिल जाता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डालो, फिर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट डालो, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दो, फिर लोग जो है चैट पे वोट कर सकते हैं कि जो भी पोल के दोनों ऑप्शन होंगे उसके लिए वोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटिंग का ऑप्शन। बेटिंग का ऑप्शन जो है ये ट्विच के लिए ही है, तो इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे आता है इवेंट्स का ऑप्शन, ये भी ट्विच एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे जो मॉड टूल्स है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैप्स प्रोटेक्शन में चलते हैं, अगर कोई बंदा 8, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम कैप्स की लिमिट है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली 8 हुई हुई है, तो अगर कोई बंदा 8 या 8 से ज़्यादा लेटर्स कैपिटल में लिखता है एक ही सेंटेंस में, तो उसको यहाँ पे एक वार्निंग दिखेगी, उसका नाम आएगा, फिर लिखेगा प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग कैप्स। और यहाँ पे आप पनिशमेंट को टाइम आउट भी कर सकते हो, और टाइम आउट मतलब उसको 5 मिनट का टाइम आउट लग जाएगा, फिर वो 5 मिनट तक चैट में कुछ नहीं लिख पाएगा। तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने अभी ऑफ करा हुआ है क्योंकि हमारे मॉड्स ही बहुत ओपी हैं, मेरे जितने भी चैनल के मॉड्स हैं सब संभाल लेते हैं। फिर नोटिफिकेशन में अगर मैं जाऊँ तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो लिखा आता है थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, सबसे पहले उसका नाम आता है। फिर सुपर चैट करने पर लिखा आता है नाम। फिर स्पॉन्सर अगर करता है मतलब ज्वाइन बटन दबाता है तो उसका नाम लिखा आता है। फिर स्ट्रीम लैब्स डोनेशन जो कि होती है लेकिन तब भी नाम लिखा आता है। तो ये तो सारी नॉर्मल बात हो गई कि आप कैसे पूरा चैटबॉट सेटअप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चैटबॉट को अपने मेन अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, या फिर किसी भी अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको बॉटम में एक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है कनेक्शंस, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा है यूट्यूब स्ट्रीमर, अब यहाँ पे आपको जनरेट टोकन पे क्लिक करना है और आप जिस अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करते हो सबसे पहले तो उस अकाउंट को लिंक कर लो। जैसे कि मैं असली गेमर से लाइव स्ट्रीम करता हूँ जो कि मेरा मेन अकाउंट है, इसको मैं लिंक कर लेता हूँ अलाउ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आएगा, दिस साइट कांट बी रीच, कोई दिक्कत नहीं है आपका, जो होगा यहाँ पे एक टोकन बन जाता है। अब आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ आपका एरर आएगा क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं है, अभी लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं है इसलिए ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपको लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी, आपको लाइव स्ट्रीम पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यूट्यूब बॉट का ऑप्शन आता है, अब यूट्यूब बॉट में आपको वो वाला अकाउंट कनेक्ट करना है जिसको आप एज अ चैट बॉट यूज़ करना चाहते हो। तो नॉर्मली मैं अपना जो मेन अकाउंट है असली गेमर उसको ही एज अ चैट बॉट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं वही अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, अलाउ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका टोकन आ जाता है, वैसे अगर खाली भी हो ना और आप जनरेट टोकन पे क्लिक करके वो सब करो तो अपने आप यहाँ पे टोकन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप खाली रखना और फिर जनरेट पे क्लिक करना, अगर टोकन आ रहा है मतलब सक्सेसफुली आपका जो है यहाँ पे टोकन आ चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट नहीं दबाना, अब आपको बस नॉर्मली क्या करना है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर दो और इस स्ट्रीम लैब्स को भी बंद कर दो, सारी सेटिंग्स आपकी हुई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बंद कर दो। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना ब्राउज़र खोलना है और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है। एक बार अब अभी मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं OBS से ही लाइव स्ट्रीम करता हूं और OBS से ही अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो अभी मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। एक बार आपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी ना, उसके बाद आपको चैटबॉट ओपन करना है। एक बार मतलब आपने यूट्यूब पे अपनी लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल कर लिया, उसके बाद OBS पे जाके स्ट्रीम की डाल दी और OBS से स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन क्लिक कर दिया, एक बार आपने ये सब कर दिया तो आपको बस यही यूट्यूब का जो स्ट्रीम लैब्स का चैटबॉट है इसको यस पे क्लिक करके ओपन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस मांगता है हर बार, तो वो देना। ठीक है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली जैसे ओपन होता है वैसे ही ओपन होगा, बस इस बार अंतर ये होगा कि जहां पे आपको पहले कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा था ना कि ये कनेक्ट करना है आपको अकाउंट, वहां पे आप इजीली अगर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। और एक बार आपको बस पहली बार ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे अकाउंट्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखो अभी लिखा आ रहा होगा फेल टू कनेक्ट ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड एरर। अगर आपकी स्ट्रीम ऑन होती तो ये कनेक्ट हो जाता है, स्ट्रीमर क्लाइंट और बॉट क्लाइंट दोनों अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रीम ऑन है तो आपको बस कनेक्ट पे क्लिक करना और कनेक्ट हो जाएगा, बॉट वाले अकाउंट पे आओ कनेक्ट करो और वो भी कनेक्ट हो जाएगा, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। बस एक बार करना है पहली बार, उसके बाद अगली बार से आपने स्ट्रीम ओपन करी उसके बाद फिर चैटबॉट ओपन करा, हमेशा स्ट्रीम ओपन करने के बाद ही चैटबॉट ओपन करना, मतलब स्ट्रीम शुरू करो उसके बाद ही चैटबॉट ओपन करना, पहले करोगे तो कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रीम शुरू नहीं हुई। तो स्ट्रीम ओपन करो और हर बार आपको ये करना पड़ेगा, हर बार आपको चैटबॉट का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। जब भी आप स्ट्रीम स्टार्ट करोगे उसके बाद चैटबॉट पर डबल क्लिक कर दो, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस दो और ओपन हो जाएगा, अपने आप स्टार्टिंग में ही अपने आप ही कनेक्टेड रहेगा, आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहली बार करना पड़ेगा बस। और बाकी जब भी नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे अपने आप ये कनेक्टेड होगा और जितनी भी आप ये कमांड्स है वो चल जाएंगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे लिखा होगा स्ट्रीम ऑफलाइन, और एक बार आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए ना तो यहाँ पे आपके व्यूअर्स कितने हैं वो भी लिखा आ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉटम राइट में आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जनरल के अंदर ही बॉट मैसेज सेंड डिले ये स्टार्टिंग में आपका 2 पे सेट होगा, 2 सेकंड्स पे, आप इसको 0 कर लो क्योंकि जितना जल्दी मैसेज सेंड होगा बेटर होता। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑटो कनेक्ट ऑन लॉन्च को देख लेना, टिक हो, और शो व्यूअर काउंट इन कंसोल, मतलब यहाँ पे आपका टॉप पे व्यूअर का आपका काउंट दिखेगा तो इसको भी टिक कर लेना, ये दोनों चीज़ टिक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्लियर सेशन ऑन स्टार्टअप पे भी क्लिक कर देना ताकि आपकी जो पुरानी चैट्स हैं वो आपके फिर से शो ना हो अगर आप एक नई स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हो तो। फिर यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है, स्ट्रीमर डज नॉट पे करेंसी टू यूज़ करेंसी बेस्ड कमांड, इसको भी टिक कर देना, मतलब अगर आप कोई भी कमांड यूज़ करते हो जैसे कि एक्सक्लेमेशन एंटर या फिर कोई भी कमांड जिसमें पॉइंट्स लगते हैं तो आप वो वाली कमांड्स बिना पॉइंट्स के यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप स्ट्रीमर हो ऑब्वियसली। तो बस यार कुछ यही कमांड्स थी, बाकी तो सब कुछ सेट है। बाकी जो चीज़ें हैं ना नीचे की, अगर आप जो चीज़ें देखोगे ये सारी ट्विच वाली हैं तो इसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम यूट्यूब वाले हैं, अगर आप ट्विच पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो इन सब से भी पंगे ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरी लाइव स्ट्रीम के चैट में या फिर कॉमेंट्स में, रिप्लाई मैं कर दूंगा। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और मैं गेमिंग रिलेटेड लाइव स्ट्रीम्स करता रहता हूँ जहाँ पे आप आके मेरे साथ खेल भी सकते हो, लाइव स्ट्रीम एंजॉय कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो गेमिंग या स्ट्रीमिंग से रिलेटेड तो वहाँ पे पूछ भी सकते हो। साथ साथ में मैं गेमिंग और स्ट्रीमिंग रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता हूँ तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, नहीं तो हुई एंड। अब करो सब्सक्राइब, ये है चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे किसी ड्राइव सब्सक्राइब करो अभी अगर गेमिंग का है शौक। दिस वॉज असली गेमर साइनिंग ऑफ।